please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. झारखंड के खूंटी में सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा कर्मी कुछ प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने लगे। आरोप है कि खूंटी रेप के आरोपियों को गिरफ्तार करने गए पुलिस वालों का उन लोगों ने रास्ता रोक लिया, जिसके बाद सुरक्षा बल ने उन्हें हटाने के लिए बल प्रयोग किया। इससे पहले पुलिस वालों ने गांव वालों से रास्ते को छोड़ देने की अपील की, लेकिन जब गांव वाले हथियार कसे लैस होकर डटे रहे तो पुलिस ने विरोध करने वालों की घेराबंदी की और लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद रेप के आरोपियों के समर्थन में उतरे गांव वाले वहां से भाग खड़े हुए, जिसके बाद पुलिस वालों ने गांव जाने वाले रास्ते में पड़ी मोटरसाइकिलों को गिरा दिया और घाघरा गांव में घुस गए, जहां आरोपियों के होने की सूचना मिली थी, लेकिन लोगों ने वहां भी विरोध शुरू कर दिया। सूचना के आधार पर उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग गए थे। विरोध की वजह से पुलिस को आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली। पुलिस के गांव से जाते ही कार्रवाई से खफा प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। और बीजेपी सांसद करिया मुंडा के अनगेड़ा गांव में 3 सुरक्षा कर्मियों को अगवा कर लिया गया और 3 राइफल लूट ली गई, जिसके बाद सुरक्षा बल ने दोबारा दल बल के साथ घाघरा गांव का रुख किया और अगवा सुरक्षा कर्मियों की बरामदगी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बल ने गांव पहुंचकर हर उस घर की तलाशी ली जहां अंगरक्षकों के होने की उम्मीद थी। 500 से ऊपर जवान जो हैं वो घाघरा गांव को अभी चारों तरफ से घेरे हुए हैं। बावजूद अब तक कहा जाए तो कहीं से भी अंगरक्षकों की रिहाई अब तक संभव नहीं हो पाई है। जब सुरक्षा कर्मियों को ढूंढने में पुलिस को कामयाबी नहीं मिली तो उसने पूछताछ के मकसद से गांव के 50 लोगों को हिरासत में ले लिया।